मैनपुरी लोकसभा सीट समेत यूपी की दो विधानसभा सीटों रामपुर और खतौली में उपचुनाव हो रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने आज सुबह से ढेरों ट्वीट कर बीजेपी के एजेंटों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर लिखा, डीएम मैनपुरी भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, चुनाव में हो रही धांधली की शिकायतों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं के फोन को रिसीव नहीं कर रहे हैं, जिसका संज्ञान सपा ने चुनाव आयुक्त को लेने को कहा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने दो व्यक्तियों को एक वीडियो शेयर कर लिखा, रामपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा पुलिस की गुंडागर्दी, समाजवादी पार्टी के मतदाताओं को डंडे मारकर भगाया जा रहा है। वहीं एक तीसरे ट्वीट में समाजवादी पार्टी के पेज से एक बुजुर्ग का वीडियो शेयर किया गया, जिससे बुजुर्ग अपनी चोटें दिखा रहा है और भाजपा के एजेंटों पर आरोप लगा रहा है। सपा ने ट्वीट कर लिखा, ग्राम सभा बलपुरा बूथ संख्या 321-322 पर मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं डालने दे रहे हैं भाजपा के एजेंट, भाजपा एजेंट मतदाताओं को पीट रहे हैं। वहीं एक और ट्वीट में समाजवादी पार्टी ने भाजपा के एजेंटों पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। सपा ने ट्वीट कर लिखा, भोगांव विधानसभा के मोहल्ला पथरिया में बूथ संख्या 250 पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट द्वारा पैसे बांटे जा रहे हैं, मामले का संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई करे चुनाव आयोग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।